हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों, यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो आप सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। ऐसा सर्च करते ही मेरी वीडियोस ओपन हो जाएंगे और उसमें आप प्लेलिस्ट चेक करें तो वहां पर आपको एक चैप्टर के सारी वीडियोस एक जगह ही मिल जाएंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है सेल चैप्टर से हटकर है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम हमारे जो ये हेयर्स होते हैं, कुछ हमारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि मैम बाल जो है वो ऐसे ऐसे बाल का कलर जैसे ब्लैक क्यों है, कुछ के कलर जो है बालों के रेड क्यों होते हैं, कुछ के जो अंग्रेज होते हैं उनके बालों के कलर ऐसे ब्राउन के क्यों होते हैं, ठीक है। या बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ये कान का जो ये है ये ऐसे मुड़ा तुड़ा क्यों है, क्यों नहीं बिल्कुल फ्लैट है। ऐसे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है तो उसमें से सेलेक्ट करके मुझे जितना टाइम मिलता है उसमें से मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर उनको परफेक्ट दिया जाए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बच्चों के क्वेश्चन से ही निकाला हुआ टॉपिक है कि हमारे बाल जो होते हैं, हेयर्स का ही हमने लिया है कि हमारे बाल जो होते हैं वो ब्लैक कलर के क्यों होते हैं, या अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है कि भाई रेड इज ब्राउन कलर है ना, इस तरीके के कलर कैसे रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाल हमारे ब्लैक क्यों होते हैं, ठीक है, किस वजह से ब्लैक हैं और ये धीरे धीरे वाइट कैसे हो जाते हैं, वो भी हम चीज़ें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम हेयर के स्ट्रक्चर की बात यदि करें तो देखिए, हमारा जो बाल होता है, जो हमारे सर के जो हेयर्स हैं, आप ये सपोज करिए कि हमारा ये सिर है, ठीक है, और इस हेड में ये हमारा हेयर है ना। तो हेयर का बच्चों जो ये बाहरी वाला पोर्शन होता है, जो हेयर का बाहर का ये पोर्शन है जो हमको दिखाई देता है, वो एक प्रोटीन से बना होता है जिसको हम बोलते हैं केराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो केराटिन प्रोटीन से हमारा ये बाल और हमारे ये नाखून, ये दोनों ही चीज़ें जिस प्रोटीन से बने हुए हैं उसका नाम है केराटिन प्रोटीन। तो ये केराटिन प्रोटीन से बना होता है, ओके। और ये जो हमारा बाल है ये ब्लैक कलर है, इसके पीछे एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट यानी कि जो बालों को कलर दे रहा है, ठीक है। तो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मिलेनिन। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारे स्किन का जो कलर होता है, कोई बहुत फेयर होते हैं, कोई सांवले होते हैं, कोई काले होते हैं, तो स्किन का जो कलर होता है वो भी किसकी वजह से होता है, मिलेनिन की वजह से, ठीक है। तो मिलेनिन पिगमेंट ही है जिसकी वजह से बालों का भी कलर होता है, ठीक है। तो बालों को ब्लैक कलर कौन दे रहा है, मिलेनिन दे रहा है। और ये पिगमेंट जो है, पिगमेंट का मतलब कलर देने वाला, ठीक है ना। तो मिलेनिन एक पिगमेंट है जो कि कलर देता है बालों को ब्लैक कलर। तो ये जो ब्लैक कलर है ये इसकी वजह से है, मिलेनिन की वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये मिलेनिन कहाँ से आता है जो बालों को ब्लैक कलर देता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब हेयर के रूट में पहुँचते हैं। जब हमने हेयर के रूट को देखा, हेयर की जड़ों में हम गए, तो हमने देखा कि सभी बाल जो होते हैं ना, जो हेयर्स होते हैं, वो अंदर एक छोटे छोटे से पोर में फिक्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक एक पौधे को लगाते हो। जब हम लोग पौधे लगाते हैं ना, थोड़ा सा गड्ढा करके वहाँ पर एक 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 पौधे लगाते हैं, उसी तरीके से एक 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 बाल सिर में ऐसे ही फिक्स होते हैं। तो ये इसमें ये एक पल्प है ना, इस पल्प में हेयर यहाँ पर फिक्स है, ये इसकी जड़ें हैं, रूट हैं। तो जो ये इसके रूट हैं, इस रूट्स के, इस पल्प के इर्द गिर्द जो सेल्स, जो सेल पाए जाएंगे, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होता है, इन सेल को हम बोलते हैं मिलेनोसाइट्स, है ना। सेल का नाम क्या है बच्चों, मिलेनोसाइट्स। और ये जो मिलेनोसाइट्स जो सेल होता है, इसी सेल के अंदर ये बनता है हमारा मिलेनिन। इस वजह से ही इस सेल का नाम मिलेनोसाइट्स रखा गया है, ठीक है। तो मिलेनोसाइट्स ने सिंथेसिस किया, किस चीज को बनाया, मिलेनिन पिगमेंट को बनाया, ओके। और मिलेनिन पिगमेंट बनाने के बाद इन सेल्स ने ये मिलेनिन पिगमेंट इधर की तरफ सिक्रीट किया, और ये मिलेनिन पिगमेंट जो है वो बालों में जाता है, और इस वजह से हमारे हेयर्स क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ओके। तो ब्लैक कलर कौन रख रहा है, मिलेनिन। मिलेनिन बन कहाँ रहा है, इन सेल्स में, जहां हमारे हेयर्स हैं उनके इर्द गिर्द जो कोशिकाएं हैं उनको मिलेनोसाइट्स कहते हैं, और उनमें ही मिलेनिन सिंथेसिस होता है, यानी कि बनता है ये हमारा मिलेनिन पिगमेंट, ओके। अब ये जो मिलेनिन पिगमेंट है, इसको बनाने के लिए हेल्प करता है एक एंजाइम,
है ना, ये एक एंजाइम है जो कि मिलेनिन को बनने में हेल्प करेगा। उस एंजाइम का नाम है टाइरोसिन। ओके, टाइरोसिन एंजाइम। और ये एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? मिलेनिन हमारा कहाँ बन रहा है? मिलेनिन हमारा बन रहा है मिलेनोसाइट्स में, यानी कि इस वाले सेल में बन रहा है। जब मिलेनिन इस वाले सेल में बन रहा है तो मिलेनिन भी यही होगा और हमारा ये एंजाइम भी यही होगा, ठीक है। तो इसी सेल के अंदर हमारा टाइरोसिन एंजाइम पाया जाता है जो कि हेल्प करता है मिलेनिन पिगमेंट को बनाने में। इतनी बात क्लियर? और मिलेनिन पिगमेंट बनेगा, मिलेनिन बनता है तो फिर हमारे बाल क्या होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अब क्या होता है कि अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बाल धीरे धीरे फिर वाइट कैसे होने लगते हैं, या कुछ बच्चों के हेयर्स आप देखेंगे तो छोटे पर ही वाइट हो जाता है। इसके जेनेटिकल कारण भी हैं, जेनेटिकल रीजन कि जेनेटिकल ये हो सकता है, यानी कि माता पिता मतलब पेरेंट्स से ये हेरिडिटी, पेरेंट्स से ये कैरेक्टर्स बच्चों को मिला हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ इसके जो रीजन हो सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या होता है इसमें कि देखिए, इतनी बातें क्लियर हो गई कि मिलेनिन चाहिए, है ना, हमारे हेयर्स को ब्लैक कलर करने के लिए मिलेनिन चाहिए। अब ये जो सेल हैं, इन सेल में यदि कोई जर्म्स एंटर कर जाए, है ना, जर्म्स एंटर कर जाए तो जर्म्स को मारने के लिए, यानी कि ये सेल अपने आप को बचाने के लिए, मिलेनोसाइट जो सेल हैं ये अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि बाहर से जर्म्स अगर आता है, एंटर करता है, तो ये इनको सेल को ख़त्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो सेल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं कि H2O2 बनाने लगते हैं, ठीक है, मतलब उसको मारने के लिए हथियार तैयार कर रहे हैं। वो क्या है? H2O2। H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परोक्साइड। तो हाइड्रोजन परोक्साइड बनाते हैं, कौन बना रहा है? ये सेल उधर से जमसाया, सेल ने हाइड्रोजन परोक्साइड बनाया और सेल को ने हाइड्रोजन परोक्साइड सिक्रीट किया किसके ऊपर? जम्स के ऊपर, ताकि जम्स को मार सके और अपने आप को बचा सके। ओके, अब यदि इनको, इन सेल्स को यदि इम्यूनिटी आपकी कमजोर है, या किसी कारणवश, कारण भी हम बात करेंगे, उस वजह से, किसी भी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जम्स आया है उस जम्स के ऊपर सेल बार बार H2O2 बना रहा है, उसके ऊपर फेंक रहा है कि वो जम्स मर जाए। लेकिन होता क्या है कि जम्स पावरफुल है, मर नहीं रहा है, तो इन सेल्स को क्या करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा H2O2 बनाना पड़ता है, एक्सेस H2O2 बनाने लगते हैं, ठीक है। तो अब सेल का ध्यान किधर है? सेल का ध्यान उस जम्स के ऊपर है, और सेल का काम क्या है? काम है उसका मिलेनिन बनाना। तो सेल का मेन काम था मिलेनिन बनाना, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो भूल चुका है कि मेरा काम मिलेनिन बनाना है, है ना, वो उसका पूरा फोकस किस पर हो गया है? जम्स के ऊपर हो गया है। अब वो क्या करता है कि फटाफट वहां से H2O2 बना रहा है और उस जम्स के ऊपर डाल रहा है ताकि जम्स को किल कर सके। ओके, अब क्या होगा जब H2O2 लिमिटेड बनता है, अगर, है ना, थोड़े बहुत बना और किल कर दिया, तब तो सेल को कोई दिक्कत नहीं है, उसको मार दिया, वापस अपने काम में लग गए, है ना। लेकिन अगर H2O2 का अनलिमिटेड सिक्रीशन होने लगता है, अब सेल ध्यान नहीं दे रहा है, H2O2 बनाया जा रहा है आपको, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा एक्सेस यदि H2O2 बन जाता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि यही H2O2 जो बना है, कहाँ बन रहा है? वो सेल के अंदर ही तो बन रहा है, ये सेल के लिए नुकसानदायक हो जाता है। ये H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड, देखिए डेंजरस का साइन लगा है, ये डेंजरस होता है, यानी कि ये H2O2 किल कर देगा किसको? टाइरोसिन एंजाइम को। जो एंजाइम यहाँ पर था, जो एंजाइम मिलेनिन बनाने में हेल्प कर रहा था, उस एंजाइम को H2O2 मारने लगता है, ठीक है। अब एंजाइम को मार रहा है H2O2, ओके, इधर एंजाइम खत्म हो रहे हैं, अब एंजाइम खत्म हो रहे हैं तो कोई हेल्पर है नहीं जो मिलेनिन बना ले, तो फिर उधर मिलेनिन का सिक्रीशन, मिलेनिन का बनना भी क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, है ना, तो इधर भी मिलेनिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, मिलेनिन पहुंच नहीं पाता है। तो कुल मिलाकर के इसका H2O2 ज़्यादा बनने का सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? मिलेनिन के ऊपर, ठीक है। मिलेनिन का बनना ही स्टॉप हो गया, है ना, स्टॉप हो गया या कम हो गया मिलेनिन का बनना। कैसे कम हो गया? क्योंकि हेल्पर कोई है नहीं, जो हेल्प करता था उसको तो H2O2 ने क्या कर दिया? इसको ख़त्म कर दिया। H2O2 डेंजरस होता है, ये इसको ख़त्म करता जाएगा, तो ये मिलेनिन की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जब ये हेल्प नहीं करता है सेल को, मिलेनोसाइट्स में जब हेल्प नहीं करता है मिलेनिन बनने में, तो मिलेनिन बनता नहीं है, तो फिर बाल जो होते हैं उसमें वो पिगमेंट जा नहीं पाता है, तो बाल धीरे धीरे क्या होते हैं? सफ़ेद होने लगते हैं। ओके,
लेकिन हमारे सेल्स के पास एक और चीज़ है, इसने ये कहा है, सेल ने सोच रखा है कि ऐसी कंडीशन आ सकती है कि इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई हो और जम्स आए उसको किल करने के लिए हम H2O2 बनाने लगे और उसमें हमको ध्यान न रहे, ठीक है, तो उसका भी रास्ता इसने सोच रखा है कि ऐसे टाइम के लिए भी हमारे पास एक और एंजाइम होना चाहिए। उस एंजाइम का नाम है कैटलेज एंजाइम। तो उसने सेल ने साइड में एक कैटलेज एंजाइम ही रख रखा है कि भाई जब देख मैं H2O2 ज़्यादा बनाने लगूँ तो तू कैटलेज है ना, कैटलेज जो तू है, तू क्या करना कि मेरे ज्यादा बनाए हुए H2O2 को, जो मैंने बहुत सारा कचरा फैला दिया है H2O2 बनाया है उसको मारने के लिए, उस एक्सेस H2O2 जो है वो जाकर के नुकसान पहुंचा रहा है। किसको नुकसान पहुंचा रहा है? हमारे एंजाइम्स को। तो तू क्या करना, इसको बोलता है कैटलिस्ट, तू क्या करना कि उस एंजाइम्स को खत्म कर देना है ना, सॉरी उस H2O2 को, जो ज्यादा H2O2 बन रहा है ना, उस H2O2 को खत्म करते जाना, कचरा साफ करते जाना, ताकि जो है हमारे इसको कोई नुकसान न हो, इस एंजाइम को कोई नुकसान न हो और आराम से मिलेनिन जैसे बनता था वैसे बनता रहे, ठीक है। तो लेकिन ये भी काम, ये अब देखिए यहां पे जो कैटलेज है ना, कैटलेज भी कहां है, इसी सेल में मिल, ये एंजाइम भी यही है, ये भी यही है, सेल के अंदर ही जमसा भी आ रहे हैं और सेल के अंदर ही H2O2 भी बन रहा है, सेल के अंदर ही कैटलेज एंजाइम भी है जो कि ये भी हेल्प कर रहा है इसको, यहाँ से देखिए ये भी हेल्प कर रहा है ना एक्सेस H2O2 को किल करने में, उसको मारने में, नियंत्रित करने में, कि मामला कुल कंट्रोल हो जाए, उसको में कैटलेज एंजाइम हेल्प करता है। लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है जब ये मदद नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में मिलेनिन, ये सब जो सेल हैं, ये मिलेनिन सीक्रेट नहीं कर पाते हेयर्स को और बाल धीरे 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 वाइट होने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये H2O2 है ना ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो हम ऐसा मतलब क्यों ये सीक्रेट हो रहा है और ऐसा क्या करें हम कि H2O2 हमारे सेल में ज़्यादा बने ही ना, ठीक है। तो इसके कई कारण हैं। देखिए H2O2 हमारे सेल को ज़्यादा बनाना पड़ जा रहा है, उसकी मजबूरी हो जा रही है, केवल जम्स की वजह से नहीं, इम्यूनिटी कमज़ोर है तो बहुत सारी चीज़ें अटैक कर रही हैं जिससे सेल अपने आप को बचाने के लिए H2O2 बनाने लगता है ना। तो आपको किस कारण से H2O2 बन रहा है, पहले उस कारण पे ध्यान दीजिए। कारण ये है आज का जो खान पान है, ठीक है, जो जंक फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, उससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो सेल के लड़ने की ताकत कमज़ोर होती है, सेल के लड़ने की ताकत कमज़ोर होगी तो अपने आप को सेल बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा H2O2 बनाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चे आजकल आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों को भी देख लीजिए, वो उनकी मतलब चलना फिरना, वॉकिंग, खेलना कूदना ये बहुत कम हो गया है, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर जैसे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या ज़्यादा बैठ करके टीवी देख रहे हैं, या बच्चों को छोड़ने के लिए, अब देखिए बच्चे पैदल भी कहाँ चल रहे हैं, व्हीकल आती है घर तक आ जा रही है, वैन आ रही है, बस आ रही है घर तक आ रही है, और जो है उसमें बच्चे बैठ करके जा रहे हैं, बच्चों का जो बैग है अपने बैग तक मतलब उनको लगता है कि बहुत हैवी बैग हो गया है ना, उसको उठा नहीं पाते हैं, पेरेंट्स आते हैं छोड़ने के लिए तो उनका बैग उठा के लेके जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो बच्चों को क्या कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहे हैं। उसके अलावा बड़ों की अगर हम बात करें तो बड़े जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, जैसे सिगरेट कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी कारण होता है। दूसरी चीज होता है सबसे बड़ा स्ट्रेस है ना, बच्चे बड़े जो हैं, मतलब आप कहेंगे कि बच्चों को तो स्ट्रेस नहीं है, बच्चों को स्ट्रेस नहीं है, लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, किस वजह से, उनके रहर मतलब किस तरीके से उनको रखा जा रहा है, ठीक है ना। वहां पर अगर आप कहेंगे कि हम तो, हमारे बच्चे तो बहुत ही रैंडम एकदम वैसे रहते हैं जैसे गांव के बच्चे हैं, आराम से उछलते कूदते बंदर की तरह से रह रहे हैं, है ना, उनको उनके ऊपर तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां कंडीशन हो सकता है जेनेटिकली, है ना, कि उनके माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पीछे में भी ऐसा होता हो रहा होगा कि बाल सफ़ेद हो जाते होंगे, तो ये चीज़ एक जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो कई सिचुएशन होते हैं। अब बड़ों में जो है ये अल्कोहल सिगरेट वगैरह ये सब जो यूज़ करते हैं, यह सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस, तनाव, है ना। आजकल इतनी हैक्टिक लाइफ हो गई है, सबके लाइफ में तनाव होता है, तो जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तनाव का मैं एक बात बताऊँ आपको, जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर में क्या वेट होगा, कुछ भी नहीं है ना, हल्का, एकदम हल्का, अभी मुझे ये बिल्कुल हल्का लग रहा है, मुझे बोला गया कि इस मार्कर को लेकर के आप खड़े रहो, ऐसे मार्कर पकड़ के खड़े रहो, क्या आपको भारी लग रहा है, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, एकदम हल्का लग रहा है, ठीक है, मार्कर पकड़ के मैं खड़ी हूँ 15 मिनट में खड़ी रही, ठीक है, मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई, आधा घंटा खड़ी रही, अब थोड़ी परेशानी हो रही है, 2 घंटे खड़ी रही, अब जो है मेरा बिल्कुल हाथ जो है दुखने लगता है, तकलीफ है ना, एकदम खड़े नहीं रह जाता है, और बोला गया कि 4 घंटे और इसी मार्कर को लेकर के खड़े रहना पड़ेगा, है ना। अब क्या मार्कर आपको वजनदार है ना, पहले मार्कर ये मेरे लिए क्या था,
बहुत हल्का था, अब यही मार्कर बहुत मेरे लिए क्या हो गया, भारी हो गया, बहुत भारी हो गया। अब ये मुझे तकलीफ देने लगा है, इससे मुझे बहुत सारी परेशानियां होने लगी हैं। यही चीज़ होता है हमारे स्ट्रेस का, तनाव का। हम क्या है कि तनाव को अगर हमने लिया, है ना, हमारे हाथ में तनाव है, सिर में तनाव है, और इसको हमने अगर रख दिया थोड़ी देर में, 5 मिनट हमने रखा सिर में, ठीक है, उसके बाद उसको डिलीट बटन दबाया, ख़त्म। 10 मिनट रखा, डिलीट बटन दबाया, ख़त्म। तब तक तो क्या होता है, हमको बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल, ओके। लेकिन इसी तनाव को अगर हम लिए रहें, एक कोई बात हो गई, सोचते रहें, तो ये क्या हो जाता है, ये काफ़ी तकलीफदायक हो जाता है। तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे बॉडी में जो है चेंजेस होने लगते हैं, केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, और ये भी सेल्स को इफेक्ट करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं उनसे भी ये सेल्स अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, H2O2 सीक्रेट करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने खान पान को बदलना है, ठीक है, यानी कि हेल्दी फूड्स खाइए, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हेल्दी फूड्स खाइए, वॉकिंग करिए, लेजीनेस छोड़िए, है ना, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, खान पान पर ध्यान देना है, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई भी इस तरीके की नशा वाली चीज़ें हैं जैसे सिगरेट है, अल्कोहल, मतलब ये सब चीज़ें बंद करना है, ठीक है। अब हेल्दी लाइफ जीनी है, जैसे कि पहले के ऋषि मुनि रहते थे वैसा नहीं, फिर भी मतलब ठीक है, अपने हिसाब से हेल्दी लाइफ जीनी है, ओके। और तनाव तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमको इस वजन को जल्दी से जल्दी रख देना है, ठीक है, और अपने आप को हल्का महसूस करना है। तो ये सब चीजें जो हैं अगर हम करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा सेल फिर तो फिट एंड फाइन है ना, सेल को जरूरत ही नहीं है H2O2 बनाने के लिए, ठीक है। जब सेल को जरूरत ही नहीं है H2O2 बनाने के लिए, तो फिर हमारा ये खुश टायरोसिन है ना, खुश है, और ये मिलानिन फटाफट बना रहा है, और बाल क्या होंगे, ब्लैक रहेंगे। पहले ज़माने में आप देखिए जो लेडीज़ें रहती थी, है ना, जेंट्स रहते थे, लॉन्ग टाइम तक उनके हेयर्स जो है, मतलब ओल्ड एज में भी उनके हेयर्स ब्लैक रहते थे। कारण यही था, है ना, उनका रहन सहन, पूरी नींद लेना, ठीक है, अच्छी तरीके से सोना, खाने का मतलब कि खाना है, भोजन करना है। आज हमको क्या होता है कि काम है, खाना छोड़ो, काम पर निकलो, है ना, तो काम को ज़्यादा हम प्रियोरिटी देते हैं भोजन के बदले, ठीक है। तो हम क्या ज़्यादा रहने का जो और तरीका हमारा है ना, यही सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से बाल वाइट हो जाते हैं। और एक बार अगर बाल हमारे सफेद हो गए तो उसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आप मेडिसिन खाओ और आपके बाल काले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई परमानेंट इसका इलाज नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है, वो मार्केट में जो डाई मिलता है, डाई लगा करके और अपने बाल ब्लैक कर लो। अब हम बात करते हैं कि मिलानिन, कुछ के बाल जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है वहाँ पर कि जो है रेडिश ब्राउन कलर भी होते हैं, ठीक है, अंग्रेजों के बाल आप देखो बिल्कुल ऐसे वाइट और बिल्कुल शाइनिंग करता हुआ इस तरीके का होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि मिलानिन किस टाइप का है। मिलानिन जो होते हैं वो भी दो तरीके के मिलानिन होते हैं, एक होता है यू मिलानिन और दूसरा होता है फियो मिलानिन, ठीक है। यदि यू मिलानिन है तो उससे बाल ब्लैक होंगे, है ना, डार्क ब्लैक, ओके, और यदि फियो मिलानिन है तो बाल क्या होंगे, रेडिश, है ना, मतलब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि सफ़ेद बाल पर मेहंदी लगाया गया हो, है ना, उसका वैसे कलर में, या फिर जो आप अंग्रेजों के बाल देखते हैं, ठीक है, एकदम वाइट ब्राउन कलर, तो उस तरीके के ऑफ वाइट में, है ना, वो कलर जो होता है वो फियो मिलानिन, मिलानिन के टाइप्स पर डिपेंड करता है कि ये वाला मिलानिन है या ये वाला मिलानिन है, ठीक है। जो मिलानिन रहेगा उस मिलानिन के अकॉर्डिंग हेयर्स का कलर होता है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपके आगे कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और यदि जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं वो पूछना चाहें तो कुछ और भी क्वेश्चन आप लोग ले आना, और मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए, ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।